बार महाराज जनक के यहाँ पर एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति को कोढ़ हो गया था। वो अपने पति को कंधों पर रख करके इधर उधर घूम रही थी, यानी कोढ़ की दवा ढूंढ रही थी। जी ये ढूंढती हुई एक जंगल में गई। उस जंगल में एक संत भजन में बैठे थे, उनके पास में जल से भरा हुआ कमंडल रखा था। धोखे से उस पतिव्रता स्त्री का पैर उस कमंडल में लग गया। कमंडल से जल के छींटे उस उन महात्मा पर चले गए। उन महात्मा की दृष्टि जो थी खुल गई। महात्मा ने कह दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिसे तू अपने कंधों पर लेकर के फिर रही है ना, सूरज निकलते ही सुबह होते ही मर जाएगा। पतिव्रता स्त्री वहीं खड़ी रह गई। जवाब दिया, क्या दिया, क्या कहा, मेरा पति मर जाएगा? सुनो, अगर तुम सच्चे संत हो तो मैं भी सच्ची पतिव्रता हूं। सूर में इतनी औकात हो तो सूर निकल के ही दिखा दे। एक पतिव्रता स्त्री समाधि में बैठ गई, भजन में बैठ गई। अब एक संत की और एक पतिव्रता स्त्री की जंग छिड़ गई। प्यारे एक दो दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, 2 महीने हो गए उस पतिव्रता स्त्री ने सूर्य को नहीं निकलने दिया, रोक लिया। हाहाकार मच गई। अब क्या हो? कुछ तपस्वियों ने बताया, ऋषियों ने बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांधकर कुआं से पानी खींचकर उस कोड़ी के ऊपर मार देगी, छिड़काव कर देगी, उसका कोड़ भी ठीक हो जाएगा, सूर भी निकल आएगा, उसकी मृत्यु भी होगी नहीं। ये बात महाराज जनक को मालूम पड़ी कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री ऐसा काम कर दे तो उसका पति ठीक हो जाएगा। तो जनक राज ने पत्र लिखकर सब तरफ भेज दिए। एक पत्र अवधपुरी में पहुंचा तो दशरथ ने कौशल्या को आज्ञा दी। कौशल्या चलने के लिए 16 श्रृंगार करने लगी। प्यारे जब कौशल्या 16 श्रृंगार करने लगी तो कौशल्या श्रृंगार कर ही रही थी, तब तक एक मेहतरानी दौड़ती हुई आई, हाथ जोड़कर बोली, महारानी ये छोटे मोटे काम आपके राज्य में हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, आप हमें ही आज्ञा दे दो ना। बोले ठीक है। मेहतरानी गई, कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांध कर कुआं से पानी खींचकर और जाकर उस कोड़ी के ऊपर छिड़काव कर दिया। सूर भी निकल आया, उसका कोड़ भी ठीक हो गया, उसकी मृत्यु भी हुई नहीं। ये बात बाद में जनक को मालूम पड़ी, ये तो किसी मैत्रानी ने ऐसा काम किया है। महाराज दशरथ ने अपनी खुद पत्नी को नहीं भेजकर मैत्रानी को भेज दिया। यही वह महाराज जनक के अंदर बैठ गया था। जब जनक महाराज स्वयंवर के लिए पत्र लिख रहे थे ना, तो सभा के लोगों ने भी महाराज जनक को ये सचेत किया था कि महाराज धोखा मत खा जाना पहले की तरह, अवधपुरी में भूल कर पत्र मत भेज देना, क्योंकि दशरथ ने अपनी पत्नी को न भेज कर मेहतरानी को भेज दिया था। अब अगर तुमने पत्र भेज दिया, क्या पता अवधपुरी में ऐसे ऐसे बलधारी रहते हो, महाराज दशरथ स्वयं न आकर और कहीं किसी बलशाली मेहतर को भेज दिया, उसने धनुष तोड़ दिया तो नर्थ हो जाएगा। यही वह था महाराज जनक जी को, जो सब जगह पत्र भेजा था, लेकिन प्यारे अवधपुरी में पत्र। बोलिए गोविंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की। महाराज बोलिए।